दोस्तों अल्मोड़ा जिले का एक घटना झकझोर कर देने वाला, दिल को बिल्कुल विभोर कर देने वाला, आज मैं ये बताने के लिए आपको मजबूर हो गई कि इस घटना को शेयर करना बहुत जरूरी है, जो समाज के लिए एक जागने का काम करेगा, समाज को आंखें खोलने का काम करेगा। एक नाबालिग बच्ची जो उसके साथ होता है, आज बहुत दुखी हृदय से मैं चीजें आप तक शेयर कर रही हूँ। एक समाज सेविका हूँ, जीवन में हमेशा दूसरों के लिए फाइट किया, दूसरों के लिए आवाज उठाई, दूसरों के लिए लड़ी हूँ। आज बहुत तकलीफ हो रहा कि एक छोटी सी बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, नाबालिग बच्ची, और उसके साथ जो घटनाएं होती हैं, जो होता है हमारे समाज के बीच, वो कई बार घर वाले मान मर्यादा के डर से या समाज के डर से ऐसी चीज़ों पे ना तो बात करना चाहते, ऐसी चीज़ों को ओपन नहीं करना चाहते, और एक बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है। और जीवन भर अपने जो बच्ची जानती भी नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, और उसके साथ ऐसी घटना घट जाती, उसे पता भी नहीं होता उसके साथ क्या हुआ। आज ऐसी एक घटना, जिस थाने में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी अल्मोड़ा, वो एक हॉस्पिटल वाला एरिया, हॉस्पिटल में वो थाना है, तो वहीं पे एक घटना आज हुई है बागेश्वर जिले से। मतलब सूचना आज आई है, घटना कई दिन पुरानी है मेरे पास, और सूचना आज मुझे मिली कि वहाँ एक कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि जिस हॉस्पिटल में सर्जरी की ड्यूटी थी उसी हॉस्पिटल में वो बच्ची को लाया जाता है डिलीवरी के लिए, और मतलब उसका लास्ट मंथ चल रहा होता है, और वहाँ पे उस बच्ची की डिलीवरी कराई जाती है। तो सोचिए, कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची, उसकी एज क्या होगी, 11 साल, 12 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल। और जब उससे पूछा जाता है तो घर के लोग उस व्यक्ति का नाम नहीं बताते कि वो कौन था, और वो बच्ची भी उसका नाम नहीं बताती, और कहा जाता है कि भैया ये तो हमें पता नहीं। सोचिए, आपके घर की बेटी जब उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, उसका लास्ट मंथ चल रहा हो, भी 12-13 साल की उम्र में, तो उस माता पिता का जमीर कहाँ चला जाता है, कहाँ जाते है? आजकल इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया जिससे बच्चा सही गलत सब कुछ सीखता है। वो चीज़ें जो बाहर जाने से खतरा नहीं है ना, आजकल घर में बैठकर उन चीज़ों से खतरा है। सोशल मीडिया पे ही बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई का भी सिस्टम है, उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे उस देखते देखते कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए हम लड़ते हैं भाई, समाज में गलत अफवाह, गलत चीज़ें मत फैलाओ, क्योंकि आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, कोई माता पिता उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही बच्चे की पढ़ाई ऑनलाइन जो की जा रही है, मजबूरी है भाई, हर बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। लोग कहते हैं संस्कार कैसे दिए, तो संस्कार क्या, जो बच्चा घर में जितने घंटे रहता है उससे कई घंटे स्कूल रहता है, ट्यूशन जाता है, कोचिंग करता है, तो माहौल देखे ना आजकल का, कितना बच्चे को रोक पाएंगे आप, रोक पाएंगे ऐसे माहौल से। और लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो दो घटनाएं आज मेरे साथ आई, मेरे पास आई हैं, उसमें से एक बच्ची थोड़ी बड़ी थी, 8वीं क्लास की थी, उसे भी नाबालिग ही समझो, 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा कितना बड़ा होता, लेकिन उसका व्यक्ति का पता चल गया, वो एक लड़का था उन्हीं के गांव का, लेकिन वो बच्ची 16-17 साल की थी, वो भी नाबालिग ही है, लेकिन वो बात उन्होंने अभी तक बताई नहीं है, उन्होंने उस पर पुलिस जाँच छानबीन कर रही है। तो ये जो अभी हो रहा है इस समय, इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त ठोस ऐसे कदम उठाने चाहिए बेटियों के लिए, कि वो ऐसे रास्ते में जाने से बच सके। बेशक सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं बेटियों के लिए, स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं दी है, गवर्नमेंट स्कूल में बेटियों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, उनकी शादियों के लिए जो पैसा आता है वो दिया है, समाज कल्याण विभाग से गरीब बेटियों के लिए दिया है, और अन्य जो विभाग है वहाँ से गरीब बेटियों के लिए शादियों के लिए पढ़ाई के लिए तमाम सुविधाएँ सरकार ने जुटाई हैं। लेकिन जिस रास्ते पर आज बेटियाँ जा रही हैं, दर भटक रही हैं, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ आ गई, क्या उससे गवर्नमेंट बचा पाएगी, भारत सरकार बचा पाएगी उन बेटियों को जो ऐसे रास्ते पे चले जा रहे हैं, जहाँ से माँ बाप नहीं बचा सकते, जो माँ जन्म देती वो माँ नहीं रोक सकती, जो पिता उनका पालन पोषण तमाम चीज़ें करता वो उसको नहीं रोक पा रहा है, तो क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या जवाब मिलेगा, कैसे जवाब मिलेगा इन बच्चों का। जब सुनती हूँ ना कि 2 साल की बच्ची के साथ ही हो गया, 2.5 साल की बच्ची के साथ हो गया, 4 साल की बच्ची के साथ ही हो गया, किसी बड़ी बेटी के साथ दरिंदगी हो गई, तो वो सीधे दिल को चीरती है, तकलीफ होता है। हम भी एक इंसान हैं, माँ हैं, हम बच्चों की माँ हैं, तो वो दर्द सीधे दिल पे लगता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए,
सबसे पहले जो कोरोना काल से ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम शुरू हुआ, मैं इसके कभी सपोर्ट में नहीं रहती हूँ। अगर ये सिस्टम ख़त्म भी कर दिया जाए तो गवर्नमेंट जो करोड़ों अरबों का जो फंड ले रहा है, ये रिचार्ज मोबाइल से, इनके सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे। वो सारे जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति कमा रहे हैं मोबाइल उसके उससे रिचार्ज से, तमाम जो ऐप हैं उनसे, ये सब बंद हो जाएगा। ये तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है कि बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लिया जाए। क्या कुछ हो सकता है इसका? आज मेरा भारत के, अपने देश के, समाज के या विश्व के हर व्यक्ति से यही शिकायत है, अपने अपने बच्चों को आप कैसे बचा सकते हैं इस चीज़ से? अब जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो बच्ची छोटी है और उसका मतलब 12-13 साल की बच्ची की फुल डिलीवरी होती है और एक बेटा पैदा होता है। वो जो पैदा हुआ वो उसका भविष्य क्या है? कहाँ है उसका भविष्य? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? समाज में जो एक और गवर्नमेंट ने जो योजना, जो लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी किसी के साथ रहे अगर उससे बच्चा पैदा होता वो भी लीगल माना जाएगा, भाई वाह। कुछ सरकार की उनसे हम सहमत नहीं है, जिससे समाज एक गलत दिशा की तरफ जा रहा है। मैं लिव इन रिलेशनशिप, ये जो अभी गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं ये कानून पसंद आया। कोई भी शादीशुदा पति किसी के साथ रह लेता, पत्नी गैर मर्द के साथ रह लेगी, उसे भी मान्यता मिल जाएगी। और बच्चियां किस दिशा पे जा रही हैं? जो बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए था, आगे को डिसाइड करती हो, अपने जीवन में चढ़ने की जो सीढ़ी होती है और जिस सीढ़ी पे चढ़ के वो आगे बढ़ सकती थी, वो सीढ़ी ही अगर तोड़ दी जाए तो क्या बच्चा ऊपर पहुंच पाएगा? वो सीढ़ी को अगर पूरी तरीके से डैमेज कर दिया जाए, क्या बच्चा वहां पहुंच पाएगा? जो उनके ऊपर बढ़ने की सीढ़ी है, वो पढ़ाई स्कूल छोड़ के मोबाइल पे रख दिया गया, क्या वो बच्चा सेफ है उस मोबाइल में? जरूरी है वो पढ़ाई ही कर रहा है, पता नहीं इसका माइंड किस तरफ चला जाए, क्या सेफ है? इन दो बच्चों की कहानी सुनने के बाद मुझे लगा मुझे ये बातें आपके बीच में रखनी चाहिए, समाज के बीच में रखना चाहिए। आज तक समाज के हर तबके को, हर दर्द के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, लड़ती आई हूँ। और क्या हम कभी ये सब चीज़ों को रोकने पे कामयाब हो पाएंगे? एक सीमा हैदर केस पे हम लगे हुए थे और मैं बहुत सारी चीज़ें आपके बीच नहीं रख पा रही थी। कई मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे, लेकिन अभी जो ये सरदर्दी हमारे सर पे नाच रही है ना सीमा हैदर, इसकी वजह से किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये तो हम बहुत गंभीर भी सही है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, जो अभी हमारे बीच में बच्चे उनके लिए क्या असर पड़ा। मेरे भी तीन बच्चे, वो भी मोबाइल मांगते हैं, बड़े मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। हम एजुकेटेड पढ़े लिखे फैमिली से हैं, जब सारी सुविधाएं उसके अंदर है तो बच्चा तो ये कहेगा कि हम पढ़ रहे, अब हमें पता नहीं है ना उसके अंदर क्या पढ़ रहे। 24 घंटे हम बच्चे पे नज़र नहीं रख सकते और कितना उनका वर्क है, कितना कंप्लीट है, सब चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन आजकल माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता, बच्चे का टाइम टेबल डिसाइड करना, सेट करना, कब बच्चा क्या कर रहा है, उस पर ध्यान जरूर दीजिए। जानती हूँ पॉसिबल नहीं है इतना कुछ करना, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि उसके बच्चे के आप अच्छे दोस्त बन सके, उससे अपनी बातों को शेयर कर सके, वो आपके दिल की बात, अपने दिल की बात आपसे शेयर कर पाए, अपने दिल की बात आप तक बता दे। लेकिन आजकल जो सवाल बच्चे का माँ बाप से होता है वो गूगल में सर्च कर लेता है, ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स की, किसी के भी बच्चे की उनको ज़रूरत नहीं समझते, कहते अरे हम तो गूगल में निकाल लेंगे, जाओ छोड़ो। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, बच्चे जिम्मेदार हैं, माँ बाप जिम्मेदार हैं, या ये पूरा समाज जिम्मेदार है, या गवर्नमेंट जिम्मेदार है जो मोबाइल फ़ोन के द्वारा पढ़ाई करा रही? तो दोस्तों कौन कौन सहमत है कि मोबाइल से पढ़ाई करवानी चाहिए, कौन कौन नहीं है? फिलहाल जहाँ तक मुझे पता चला इस केस के पीछे भी यही रीज़न रहा, फ़ोन, बच्चे फ़ोन में लगे रहते थे, माँ बाप को पता नहीं था। पहाड़ों में खेती का काम होता है, लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं, और जो घर के और ड्यूटी वाले ड्यूटी का काम करते हैं, तो बच्चों पे कौन ध्यान देता है इतना, जिनकी बिजी लाइफ है? तो बच्चा किस दिशा पे जा रहा है? क्या बच्चों के लिए आपको नहीं लगता कोई खास कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम गवर्नमेंट को भी उठाने चाहिए? केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से काम नहीं चलता, क्योंकि बेटियाँ अब तो बच भी नहीं रही है। कलकत्ता कांड देखा होगा आपने, कई सारे केस हो चुके हैं इस बीच, हमारे उत्तराखंड में अंकिता कांड देखा होगा आपने, कहाँ बेटियाँ सेफ है? पढ़ लिख कर अगर वो जॉब भी करना चाहे
तो कहाँ वो जॉब में भी कहाँ सुरक्षित है, नहीं है ना। निर्भया वाला मामला देखा होगा आपने, वो भी तो बेटी थी। तो ये बेटियों का सिलसिला कब तक चलेगा? किसी के पास जवाब हो तो मुझे कमेंट से ज़रूर दीजिए। बहुत दुखी हुआ, दुर्घटना है सुनी, बहुत तकलीफ हुआ। अब उस पर पुलिस जांच कर रही है, जो लड़का था शायद वो बालिग होगा, उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन उस बेटी का जो 8th क्लास की थी, उसका जो बच्चा हुआ तो एक्सपायर हो गया था, और दूसरी जो 6th क्लास वाली बच्ची थी उसका बेटा हुआ है, जिंदा है। अब सोचिए उस बेटे का क्या होगा, अनाथ आश्रम में पलेगा, किसी के घर में पलेगा? अगर पलेगा तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? अगर आइडेंटिटी छुपाई गई तो कल के दिन आने वाले समय में उससे पता चला तो क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढती रहती हूँ, खोजती रहती हूँ, अपने आप से सवाल करती हूँ। आपके पास जवाब हो तो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज से, को अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच्चाई को लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।